क्या कहेंगे, 6 विधानसभा घूमे हैं, मसूरी में आप पे हमला हुआ है। सुबह से घूम रहा था, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। नहीं नहीं घूम रहा बेचारा, बहुत ही तरह की बात मत करो। उत्साहित थे हमारे जो जनता थी, कार्यकर्ता था, अच्छा आशीर्वाद लोगों ने दिया मुझको। जब मैं मसौढ़ी गया तो मालूम हुआ कि वहाँ की जो विधायिका है मसौढ़ी के, रेखा पासवान राष्ट्रीय जनता दल का, उन्होंने 28 तरीके से बूथ में घुस करके हंगामा क्रिएट किए, बूथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। तो मैं वहीं गया था अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, जानकारी मिली थी। तो मैं वहाँ से निकल के आ रहा था, जमालपुर तिनेरी गाँव है, वहीं से निकल के जमालपुर जब जा रहा था, पहले से 10-20 आदमी का घात लगाए बैठे थे। जैसे मेरी गाड़ी क्रॉस की, 3 फायर किए, और मेरे साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे जो देख रहे थे, तो बगल के ही किनेरी और बगल का ही इलाका में प्रोटेस्ट किए, तो लोगों ने हमला बोल दिया। फायर करने वाले लोग थे, पकड़ लिया उसको, रिवॉल्वर के बॉट से उसके माथे में फोड़ दिया, बहुत न्यूसेंस किया। फिर बाद में भाग गया वहाँ से। सूचना पुलिस को मैंने दी है, सीनियर पुलिस के अधिकारी लोग आए, एफ आई आर दर्ज किया है। भरोसा है कि आगे की आवश्यक कार्रवाई पुलिस करेगी, जो लोग उसमें होंगे चिन्हित। क्या लगता है, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रही है, दानापुर दानापुर में भी घटना हुई है। दानापुर में हमारे महामंत्री पर हमला हुई, जो मंडल के महामंत्री हैं रणवीर, और दूसरा एक और हमला हो गया, बुरी तरह से हमारा घर पर चार करके, वो पाली में नदमा गांव है, वहाँ मारने का काम वहाँ पर तो हमला ही हुआ ही। और इसके पहले भी जब प्रचार में कर रहा था उस समय भी हमें वहाँ पर हमला हुई, और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, मेरी प्रचार गाड़ी को फोड़ा गया। अभी परसों सिद्धार्थ MLA हैं, उनके गाड़ी पर भी हमला हुआ। और अब से कुछ दिन पहले हमारा छोटा बेटा है अभिमन्यु, उसके ऊपर भी मसौढ़ी में जानलेवा हमला हुआ। तो पूरा माहौल ख़राब करके रखने का काम किया है। कहीं हार से बकुला तो नहीं गई? बिल्कुल हार से बकुला है। लोग राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमला कर रहे हैं, आज तक मेरे 40 साल के जीवन में मुझसे ना कोई किसी को परेशानी हुई है, और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे ऊपर फायर कर देगा। मेरे ऊपर तो कोई आज तक ठेला भी नहीं चला है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उसका काम किया ही नहीं ना। दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतित हम हैं इसलिए कि और पता नहीं जल्द जब 4 तारीख को आएगा, अभी तो नहीं आया है, उम्मीद की जा रही है 4।